अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कुदरती तरीकों पे। कोलेस्ट्रॉल जो कि खुद एक बीमारी नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि इंसान की अपनी जो नरम मिजाजी और सुस्ती काहली की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन आप किसी पतले आदमी को देखेंगे तो उसको भी कोलेस्ट्रॉल की इशू होता है। लाजमी नहीं कि ये मोटे लोगों में ही हो। इसमें जो है, मैं अपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो अपने आप को एक्टिव रखना होता है, 24 में से पूरे टाइम में से आपने एक्टिव रहना है। उसके बाद एक्सरसाइज बहुत लाजमी है। 5 किलोमीटर रोज़ की वॉकिंग जो है वो इसको काफ़ी कम कर देती है। उसके बाद अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और खाने पे आपने अपने तवज्जो देनी है। जो आप पहले बेतदाली कर रहे हैं खाने में, उसको आपने कंट्रोल करना है। मतलब कि अगर आपका बहुत ही दिल है मटन कढ़ाई के साथ नान खाने का, तो नान स्किप कर दें, आप सिर्फ मटन कढ़ाई ही खाएं। अगर आप नान खाएंगे तो उस टाइम वो जो आपको भूख लगी हुई है, वो नान में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फर्स्ट सोर्स है जो बॉडी यूज़ कर लेती है। ठीक है, वो बॉडी कार्बोहाइड्रेट और अपना जो उसने पावर लेनी है वो नान से ही ले लेगी। वो जो बीफ वो मटन है जो वो वैसे का वैसा ही बॉडी में रहेगा और वो फैट आगे से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो आपके जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है नींद पूरी करना। अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो ये भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का बहुत बड़ा सबब बनता है। हमारा लीवर जो है वो कुदरती तौर पे कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। तो इसके लिए अगर कुदरती तरीके से तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो इसको कम करती हैं। एक कावा है, वो बनता है हल्दी, दालचीनी, सौंफ और अदरक से। हल्दी आपने यूज़ करनी है जो कच्ची होती है, सेम लाइक अदरक जैसी होती है। ठीक है, ये इस्तेमाल करें। उसके अलावा सेब का सिरका, ये भी कुदरती तौर पे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि इसे डाइल्यूट कर लें, किसी जूस में डाल लें, किसी पानी में मिक्स कर लें, या किसी खाने में इसको मिक्स करके यूज़ करें। उसके बाद सौंफ का पानी, सौंफ को उबाल के, या इससे सौंफ को भी वो पहले वाले कावे में मिक्स कर लें तो वो भी बेनिफिशियल होता है। तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट नट्स है, ठीक है, एलमंड है और ये है, इनमें कुदरती तौर पे विटामिन B13 होता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत हेल्प करता है। इनको भी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। लेकिन जो आपने ना ग़िज़ा को एक तरीके से सेटल करना है कि आपने जब तक कोलेस्ट्रॉल का चेक रखना है, आपने मीठा छोड़ देना है। ठीक है, रेड मीट वगैरह अगर नहीं छोड़ सकते तो मीठा छोड़ दें, क्योंकि मीठा छोड़ेंगे तो मेटाबॉलिज्म आपका ऑलरेडी जो स्टोर्ड फैट है उसको वो कम कर देगा। एक्सरसाइज जो है वो इसके लिए लाजमी है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।